भी व्यूअर्स जितने भी व्यूअर्स हैं बायोलॉजी रिकॉर्ड्स पे जो गाना लिखे सो है बर्फ, थैंक यू सो मच। 3 मिलियन आप लोग के प्यार से क्रॉस हुआ है और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अभी क्या उम्मीद करते हैं इसके बाद? अभी बहुत सारे गाने लाइनअप है ऑलरेडी बायोलॉजी रिकॉर्ड्स पे, अभी और भी गाने एडिट हो रहे हैं जो होने वाले हैं और एक फिर धमाका होते रहेगा। तो किरदार की बात की जाए, किरदार कौन कौन से रहेंगे अभी जो नए गाने हैं? अभी फिलहाल खेसारी जी की लाइनअप हुए हैं, साउंड सभी जो बड़ा सॉन्ग था खेसारी जी का ही, इसमें फीचरिंग किया हुआ है कोमल सिंह ने और खेसारी जी ने, और आगे भी जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं खेसारी जी के ही हैं लाइनअप। अभी फिलहाल कल्लू जी का भी है, पवन जी का भी है, बहुत सारे लाइनअप किए हुए हैं। ये तो गाने की बात हो गई, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? इसके अलावा तो बस यही चल रहा है, कोरियोग्राफी चल रही है और इसके अलावा। अभी तक कौन कौन से स्टार के साथ में काम कर चुके हैं आप? ऑलरेडी सभी जितने भी टॉप लेवल के स्टार हैं वो चुके हैं साथ। अभी बीच में सुनने में आया कि पवन सिंह जी के साथ भी काम कर रहे थे आप बनारस में। हरहर गंगे का जो प्रमोशन सॉन्ग है पवन जी का, जो अभी हरहर गंगे जो शूट हो रही है बनारस में, वो सॉन्ग भी मैंने किया हुआ प्रमोशन सॉन्ग। आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगा काम करते हुए? सभी के साथ कंफर्टेबल ही है, स्टार कंफर्टेबल हमारे साथ रहना चाहिए। खेसारी जी के साथ में कितने गाने किए अभी तक आप? ऑलरेडी 50-60 के 100 के ऊपर ही हो गया। कुछ नाम बताना चाहेंगे? स्टार्टअप मैंने किया था खेसारी जी का, छठ का सॉन्ग था मेकअप लगा वाला के 13 में, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और अपनी तो जैसे तैसे दो घूट नाच के मलकिनी परदेसिया दुपट्टा कटल करे कुत्ते से दिल लगा लिया और लगेलू जहर और अभी जस्ट जो जिसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं बर्फ, ये मेरा लास्ट है खेसारी जी के साथ, मतलब इस वक्त का, इसके आगे भी बहुत सारे। अभी सुनने में आया रंजना जी को भी बहुत हिट बड़े गाने दिए थे आप होली के, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, रंजना जी का मैं होली सॉन्ग किया था रोमांटिक कलर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो, आप लोग भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, रिलीज है ऑलरेडी और ऑलरेडी वो भी क्रॉस है, मिलियंस क्रॉस। आपकी जर्नी जैसे आप बोल रहे थे गाना, पहला गाना जैसे आपने किया था वो कैसे मिला था और किस तरह से आपने वो गाना किया वो किसके साथ किया था? सबकी लाइफ एक स्ट्रगल से स्टार्ट होती है, तो मेरी भी लाइफ एक स्ट्रगल से स्टार्ट हुई थी। छोटे छोटे सिंगरों से अपने क्रिएशन दिखाने चालू किए थे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी को वीडियो अच्छा लगता है, क्रिएशन अच्छा लगता है, तो उसी टाइम पे 2019 में खेसारी जी का सॉन्ग मिला था। आपके सबसे फेवरेट जो सिंगर भी करो चाहे एक्टर करो वो कौन है? मेरे सबसे फेवरेट गोविंदा जी है, और भोजपुरी में तो सभी स्टार अच्छा करते तो अच्छा लगता है। अगर आप फेवरेट, अगर आप भोजपुरी में, अगर मैं बोलूँ कि इनमें से आप किसको पसंद करते हैं ज़्यादा? ऐसा किसी के ऊपर वो नहीं कर सकते, जो मेरे काम को पसंद कर रहा है, पब्लिक पसंद कर रही है, तो पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। सभी काम अच्छा करते हैं, किसी के कोई, सबके अंदर कमियां भी होती, सबके अंदर खूबियां भी होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा कर रहा है उस टाइम पे, तो सभी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हीरोइन की बात की जाए, हीरोइन अभी हीरोइन में जो भी टॉप स्टार है तो स्टार को कोई बोला नहीं जाता कि ये अच्छा है वो अच्छा है, जो हिट दे दिया वही अच्छा है। कोई ऐसा एक्टर जिससे आप अभी तक काम नहीं कर पाए, जिसके साथ ऐसा कोई आप ये मतलब मन में है कि मैं उससे काम करना चाहता हूँ? भोजपुरी में कि भोजपुरी में दिनेश जी, दिनेश जी हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद। कैसे लगते हैं आपको दिनेश जी, उनका नेचर है? नेचर वेचर बहुत अच्छा है, वो हम्बल इंसान है, उनके साथ काम करना मैंने। दर्शकों से अपने क्या कहना चाहेंगे? जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना भी ये वीडियो है उसको वायरल करें। और अपने जो गाना है उनके बारे में बता दिए। इस
स्पेशल थैंक्स टू बालाजी रिकॉर्ड्स प्रवीण ओझा जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरे काम को सराहा। और स्पेशल थैंक्स टू मेरी ऑडियंस कि काम को इतना पसंद करके वीडियो को इतना अच्छे से देख रहे हैं, सब लोग सबको पसंद आ रहा है। और जो सब लोग बोलते हैं कि एक भोजपुरी में सब लोग एक दाग लगाया हुआ है कि वल्गरिटी, तो मेरे किसी भी वीडियो में वल्गरिटी नहीं रहता, ग्लैमर रहती है, उसे ग्लैमर कहते हैं, वल्गरिटी नहीं कहते। थैंक यू सो मच।